दोस्तों, मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, तो आपके पास पेशेंस लेवल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस होना, सब्र होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ऐसा मैं आपको हमेशा से कहता हूँ? अगर आप एक ही ट्रेड पे अपना आधा पैसा, आपके पास जितना पैसा है उतना, या फिर आप उससे ज़्यादा या 100% पैसा अगर आप एक ही ट्रेड पे इन्वेस्ट कर दोगे, आपके जितने चांसेस जीतने के हैं उतने ही चांसेस आपके वहां पे हारने के हैं। अगर आप जीतते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप 80% प्रॉफिट लेके घर जाओगे, लेकिन अगर आप हारते हो तो सब कुछ खत्म। मैं आपको इसीलिए कहता हूं कि हमें लंबी रेस के लिए तैयार होना है, छोटी रेस के लिए तैयार नहीं होना। हम यहां पे आए हैं इस मार्केट में क्यों? क्योंकि हमें बड़े बनने हैं, हमें पैसा कमाना है, हमें बहुत कुछ करना है, हमें करियर बनाना है। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो सॉरी, आप वो नहीं कर पाओगे। यार, इन सारी चीज़ों को ना मैं एक कहानी से रिलेट करना चाहूँगा, तो यार कहानी ना पूरी सुनना, बहुत मज़ा आएगा। और उम्मीद करूँगा कि आपका सोचने का तरीका, नज़रिया जो है आपके सोचने का, थिंकिंग प्रोसेस जो है आपका, थॉट प्रोसेस, वो ज़रूर चेंज होगा ये सुनने के बाद। दोस्तों, कहानी है स्पेन में जन्मे एक फेमस पेंटर पिकासो की। पिकासो को आप भी जानते होंगे, उनकी पेंटिंग लाखों करोड़ों में बिकती है। तो एक बार वो किसी काम से अपने शहर से बाहर गए हुए थे, वहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं जानता था। वो रोड पे जा रहे थे, एक लड़की ने उन्हें देखा और किस्मत से, लकीली, वो लड़की उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। वो लड़की उनके पास आई और लड़की ने उन्हें बोला कि सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्या आप मेरे लिए एक पेंटिंग बना सकते हैं प्लीज़? तो पिकासो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बोलते हैं कि मैं अभी आपके लिए पेंटिंग नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी इक्विपमेंट नहीं है, मैं अपना सामान अपने साथ लेके नहीं आया हूँ। लड़की ने बोला कि मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं आपसे दोबारा मिलूँ या ना मिलूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मैं अपने हाथों से नहीं जाने दे सकती। मुझे आपसे मिलना था और मैं मिल गई, लेकिन अब मुझे आपसे एक पेंटिंग चाहिए और प्लीज़ आप मेरे लिए वो पेंटिंग बना दो। पिकासो से वो लड़की बहुत ही ज़्यादा ज़िद्द करने लगी। तो पिकासो ने क्या किया, वहाँ पे पिकासो ने जो भी इक्विपमेंट अवेलेबल थे वो एक पेपर पेन लिया और उसके लिए 30 सेकंड के अंदर एक पेंटिंग रेडी करके दे दी। तो पिकासो से उस लड़की ने कहा, आपने 30 सेकंड में ये पेंटिंग बना दी, इसकी क्या वैल्यू है? तो पिकासो ने कहा, ये पेंटिंग $1 मिलियन की है। लड़की को बिलीव नहीं हुआ, लड़की ने पिकासो को कहा, आप मजाक कर रहे हो। तो पिकासो ने क्या किया, पिकासो ने कहा, मैं इस एड्रेस पे हूँ कुछ देर के लिए, आप एक काम करो, इस पेंटिंग की वैल्यू पता करके आओ और फिर मुझसे मिलो। लड़की गई भाग के उस पेंटिंग की कीमत पता करने, और रियल में, असलियत में वो पेंटिंग की कीमत जो थी वो $1 मिलियन थी। पिकासो के पास वो लड़की भाग के वापस आती है और बोलती है, सर, ये पेंटिंग जो है असलियत में $1 मिलियन की है, आपने ये कैसे किया, क्या आप मुझे ये सिखा सकते हैं? आपने 30 सेकंड में मेरे लिए ये पेंटिंग बना के दी जिसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, तो क्या आप मुझे ये 10 मिनट में भी सिखा सकते हैं? मैं 30 सेकंड में नहीं बनाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये पेंटिंग मैं 10 मिनट में भी बना लूँ तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो पिकासो ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे अच्छी पेंटिंग बना सकती हो, लेकिन ये 30 सेकंड की पेंटिंग बनाने के लिए मुझे 30 साल का समय लग गया। मैंने अपने 30 साल इसमें इन्वेस्ट किए, इस करियर में इन्वेस्ट किए, इस कला में इन्वेस्ट किए, तब जाके एक ऐसा मुकाम मुझे मिला है कि मैं आज ये पेंटिंग 30 सेकंड में बना सकता हूँ जिसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। दोस्तों, यार जब भी हम ना किसी को भी सक्सेसफुल होता हुआ देखते हैं, कोई भी पर्सन अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, तो हमारा ह्यूमन नेचर है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं कि यार उसकी किस्मत अच्छी होगी, जो आज वो इतने पैसे कमा रहा है वो सक्सेसफुल है, लेकिन उसके पीछे वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितने सेक्रीफाइसेस किए होंगे, उसका डेडिकेशन अपने काम को लेके या उसका हार्डवर्क, ये किसी को नहीं दिखता। तो यार अगर आप भी हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, डेडिकेशन अपनी कला के लिए, यानी आप जिसमें पैशनेट हो उसके लिए आपके पास डेडिकेशन है, टाइम है, अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास पेशेंस है और आप हार्डवर्क करने के लिए भी रेडी हो, तो यार वेलकम है आप लोगों का। और एक और बात, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सक्सेसफुल बन सकते हो। यार यही बात है, आप सक्सेसफुल बन सकते हो, लेकिन बस ज़रूरत है पेशेंस की, ज़रूरत है आपको अनेबल होने की लाइफ में एक गोल सेट करने की। यार अगर कोई भी खिलाड़ी है, कोई भी बल्लेबाज है, क्रिकेट खेलना चाहता है, और तो उसके मन में क्या, दिमाग में है कि अगर मुझे इंटरनेशनल खेलना है तो मैं सबसे पहले मुझे सिटी लेवल पे क्लियर करना होगा, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, फिर मैं नेशनल के लिए जाऊंगा, फिर मैं इंटरनेशनल के लिए जाऊंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं सीधा इंटरनेशनल के लिए पहुंच जाऊंगा। लंबी रेस में जाना है यार,
लंबी रेस में, ये चीज़ दिमाग में रखो, छोटी रेस में हमें नहीं जाना है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। और लॉन्ग टर्म के लिए सोचने के लिए आपको यहाँ पे बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे बने ही नहीं रह सकते तो क्या फ़ायदा यार। अगर आप यहाँ पे एक ही दिन में खत्म कर रहे हो अपना करियर तो उससे क्या फायदा। आपको यहाँ पे बने रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, छोटे इन्वेस्टमेंट करो। जैसे ही आपके पास अपना डिपॉजिट का, जितना डिपॉजिट आपने किया है उतना अमाउंट आपके पास हो जाता है, उसका विड्रॉ ले लो। बहुत कुछ हो सकता है यार, अपना दिमाग यूज करो। आप क्यों हार रहे हो, क्यों, आप क्या कारण है आप हार रहे हो, आप अपना पैसा घर नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि प्रिडिक्शंस नहीं है यहाँ पे। बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए आपके पास प्रिडिक्शन के अलावा। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हमेशा से आप लोगों को कहता हूँ, पेशेंस रखो, हर एक चीज़ पॉसिबल है। कोई भी ना, कोई भी एक दिन में महारथी नहीं बनता है, उसको उस लेवल पे पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपको भी वहां जाना है ना यार, सोचो कि मैं वहां पे हूं, तो यार वहां पे जाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, सेक्रीफाइसेस चाहिए, टाइम चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हार्डवर्क डेडिकेशन भी चाहिए। यार उम्मीद करता हूँ ये सब सुनने के बाद आप में से कुछ लोगों की लाइफ ज़रूर चेंज होगी, ट्रेडिंग के बारे में आपका सोचने का नज़रिया ज़रूर चेंज हुआ होगा यार। थैंक यू सो मच।